Class 9th, welcome to another YouTube video of your tutorial. So हम लोग chapter 1 पढ़ रहे थे, matter in our surroundings. I hope आप लोगों ने पहले की सारी videos देखी हुई हैं. If नहीं देखी हैं तो please पहले की सारी videos देखो. उनके अंदर हमने काफ़ी सारे topics cover करे थे, ठीक है. ये सारा part देखो, हम उसमें cover कर चुके हैं, ठीक. So here we are. हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अब हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट, ठीक. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास थ्री टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. एक हमारे पास होते हैं क्या, सॉलिड्स. सॉलिड्स क्या है, देखो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में क्या है, स्पेसेस नहीं दिखाई दे रहे हमें. फिर आए लिक्विड्स. लिक्विड्स में क्या है, थोड़े थोड़े स्पेसेस है पार्टिकल्स के बीच में. और गैसेस में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, ठीक. तो सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस. देखो यहाँ हम बहुत अच्छे से इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास के अंदर कि व्हाट आर सॉलिड्स, व्हाट आर लिक्विड्स एंड व्हाट आर गैसेस, ठीक. अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है. अगर हमारे पास एक सॉलिड है तो उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई लिक्विड स्टेट में है तो उसे हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई गैस स्टेट में है तो उसको हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ठीक. तो यानी कि एक स्टेट से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में, और दूसरे से हम थर्ड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो. अगर मेरे पास आइस है, आपके पास क्या है, आइस है. आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक. तो हम क्या करें, अगर आइस को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर क्या है, लिक्विड है. तो इसका मतलब हम क्या कर पा रहे हैं, सॉलिड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, लिक्विड के अंदर, ठीक है. अब देखो ये प्रोसेस होता कैसे है. जैसे ही आप हीट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, देख रहे हो यहाँ पे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल क्या थे, क्लोज थे. तो ये पार्टिकल क्या करेगा, अपनी पोजिशन पर ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है. जैसे देखो मेरा पॉइंटर घूम रहा है इस तरीके से, सही है. ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन पे ही ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा. फिर थोड़ा बहुत ये इधर उधर क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके टक्कर मारने लगेगा. तो यहाँ पर क्या, तो ऐसे करके करते यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्पेसेस जनरेट हो जाएंगे. और जैसे ही स्पेसेस जनरेट हुए, हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर, ठीक. नेक्स्ट बात आती है, देखो लिक्विड से कहाँ बना रहे हैं हम लोग, गैस बना रहे हैं, ठीक है. तो गैस देखो कैसे बना, लिक्विड से हमने क्या बना दिया, गैस बना दिया. कैसे, सेम हीटिंग करा हमने, ठीक है. तो हीटिंग करके जो पार्टिकल्स पहले इतना इतना मूव कर रहे थे, वो और ज़्यादा मूव करने लगे. और ज़्यादा मूव करेंगे तो और ज़्यादा स्पेसेस जनरेट हो जाएंगे उनके बीच में. तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गए, ज़्यादा स्पेसेस जनरेट हो गए. तो ये क्या बन गया, अब गैस. तो सॉलिड को हीट करा तो क्या बना, लिक्विड. लिक्विड को हीट करा तो क्या बना, गैस. यहाँ तक बात क्लियर है. सेम प्रोसेस अगर हम कूलिंग कर दें, गैस है, गैस का क्या करते हैं, जब गैस ठंडी हो जाती है, आपने बॉटल्स के ऊपर देखा होगा, अगर आप ठंडे पानी की बॉटल निकाल के बाहर रखते हैं, ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने कि हमारे पास मान लो एक ठंडा पानी का बॉटल है, ठीक है, ये आपके पास ये एक बॉटल है, ठीक है, सही. तो इस पर क्या है, थोड़े टाइम बाद ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं पानी के. वो कैसे आते हैं, जो आसपास की यहाँ पे क्या है, एयर है. यहाँ जो आसपास की एयर है, वो एयर क्या होगी, ठंडे. यहाँ पर ये ठंडा है, इसमें क्या है, ये कोल्ड है, ठीक. तो जो यहाँ पर ठंडक की वजह से जो आसपास की एयर होगी, उसके अंदर जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, एयर के अंदर कौन है, वाटर वेपर. तो यहाँ पर देखो जितना भी वाटर वेपर होगा, वो सारा का सारा वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा. किसमें, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में. क्योंकि जैसे ही वो ठंडा होगा, तो जो हमारे पार्टिकल्स जो ऐसे रैंडम मोशन कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो क्या हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे. पार्टिकल्स धीरे होंगे तो स्पेसेस क्या हो जाएंगे, कम. और स्पेसेस कम हुए तो गैस किस में चेंज हो गया, लिक्विड के अंदर, ठीक. सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिक्विड को चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, ठीक है. लिक्विड को हम किस में चेंज करते हैं, सॉलिड के अंदर. कैसे, सेम कूलिंग प्रोसेस से, ठीक है. हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे. कूलिंग प्रोसेस से ही लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, आपके गैस के अंदर चेंज हो जाएगा,
ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सो हम लोग कहाँ थे? हम लोगों को ये समझ आया कि कैसे सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, फिर लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, सिमिलरली गैसेस चेंज हो रहे हैं किसमें? लिक्विड स्टेट में ऑन कूलिंग, और लिक्विड स्टेट चेंज होगा किसमें? सॉलिड स्टेट में बाय कूलिंग। बात क्लियर हो रही है कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं स्टेट के अंदर, एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो पा रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहाँ, देखो इसी प्रोसेस को हमने थोड़ा इलैबोरेटली स्टडी करा है। नेक्स्ट प्रोसेस इज मेल्टिंग। देखो मेल्टिंग क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आइस को वाटर में कन्वर्ट करा था, तो वो प्रोसेस जिससे आइस हमारा किसमें हुआ था, वाटर में कन्वर्ट हुआ था, वो प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग। तो हम क्या, देखो क्या लिखा है हमने, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जैसे ही आप किसी सॉलिड को हीट करोगे तो वही चीज़, देखो जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे ज़्यादा स्पीड के साथ, और उससे क्या होगा, वो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। यही बात करी थी थोड़ी देर पहले अभी हमने। तो वो जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, जो मेल्टिंग का प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज फ्यूजन, और वो टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉलिड मेल्ट कर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी आइस के केस में, यानी वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस जो होती है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, देखो क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि मेरे पास 1 किलोग्राम आइस है, ठीक है, इस कंटेनर में मान लेते हैं 1 kg आइस है मेरे पास, तो उस 1 kg आइस को लिक्विड में कम्प्लीटली, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी हीट मुझको देनी पड़ेगी वो हीट मेरी क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ रहे हैं? फिर से रिपीट करते, देखो 1 kg आइस को, ठीक है, 1 kg आइस को, ठीक, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जितनी भी हीट लगेगी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो वो हमारी क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल्टिंग, तो लेटेंट का मतलब क्या है कि 1 kg के लिए रिस्पेक्टिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग की। देखो बॉइलिंग क्या होता है, सिमिलरली देखो बॉइल कैसे हो रहा है, कि लिक्विड किस में चेंज करते थे, बॉइल करके लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, ये लिक्विड रखा है हमने, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने से ये किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस में। तो व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे लिक्विड में वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, तो वो और ज़्यादा तेज़ तेज़ मूव करने लगेंगे, इवन फास्टर मूव करने लगेंगे। ठीक, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, जब लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे तेज़ तेज़ मूव करने लगेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड बॉयल करने लगेगा और किस में चेंज होने लगेगा, गैसेस के अंदर, गैसेस यानी वाटर वेपर बना देगा। ठीक, अब बॉइलिंग जो होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमेना। ठीक, जब लिक्विड बॉयल करता है तो जो बल्क में, यानी जितना भी लिक्विड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स के अंदर। नाउ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा तो वो हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो एक और टर्म आ गई हमारे पास, वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है,
अब देखो जैसे सेम हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, फ्यूजन मतलब क्या था, मेल्टिंग, सॉलिड से कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, लिक्विड के अंदर। सिमिलरली बिल्कुल सेम हमारे पास क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन मतलब क्या है, वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स किससे बनाओगे, लिक्विड से, तो लिक्विड से क्या बन रहा है आपके पास, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। वही मेरे पास 1 kg मेरे पास क्या है, लिक्विड है। अब इस 1 kg लिक्विड से मैं क्या कर रही हूँ, गैस बना रही हूँ। तो गैस बनाने के लिए जितनी भी हीट हम देंगे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो जो हीट है जो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो गई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो अभी आज यहीं तक पढ़ते हैं। हमने देखो क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट कि कैसे स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से फर्दर, दूसरा हमने पढ़ा मेल्टिंग, तीसरा हमने क्या पढ़ा, बॉइलिंग। ठीक है, अभी आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सब्लिमेशन से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।